व्हाट्सअप बाबा लो, कैसे हैं सारे। तो तुम्हारे भाई तुमको लेके जा रहे हैं पहले करोलबाग, और आज करोलबाग इतनी सुबह सुबह जाने के पीछे रीज़न ये है कि आज अपनी गाड़ी में काम है। ठीक है भाई, अपनी गाड़ी में काम है तो थोड़ा हम जो है जल्दी भी निकलते हैं, थोड़ा टाइम से भी काम करना पसंद करते हैं। टाइम से मतलब देखो, जब जल्दी निकलोगे तो ऑब्वियसली बात है काम जल्दी हो जाता है, तो वही बात है। तो उस टाइम में निकल गया हम करोलबाग के लिए। और कहाँ जा रहा हूँ, जगह आपको दिख जाएगी जहाँ जा रहा हूँ, और जो काम होगा वो आपको आगे वीडियो में दिख जाएगा। ठीक है, कहाँ जा रहा हूँ, किसके पास जा रहा हूँ, मैं जैसे ही जिस मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं किसके पास गया हूँ, आप लोगों को पता लग जाएगा कि मैं गाड़ी में क्या काम करूँगा। और गाड़ी में जो आज काम होगा उससे बाद गाड़ी जहर लगेगी एकदम, और ओनली वन वाली भी कह सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा नहीं क्योंकि ये चीज़ कॉमन है, कोई भी करवा सकता है। तो कोई भी करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली वन वाला टैग मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, जबकि एक्चुअल में वो चीज़ होती है। ठीक है, ना कि मैं हर कंटेंट में यूज़ करता हूँ। ठीक है, जैसे लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं भाई तू भी शुरू हो गया, वो बात नहीं है। ऐसा है जब मेरे को लगता है कि हाँ भाई एक है तो ही मैं बोलता हूँ। कोई भी तभी अपनी गाड़ी को ओनली वन बोलता है जब उसके अंदर कोई बात होती है, अदरवाइज कॉमन चीज़ के लिए कोई नहीं बोलता भाई, साफ सीधी बात। ठीक है, तो पहले हम जा रहे हैं करोलबाग अपनी गाड़ी के लिए कुछ नोट्स कराने के लिए। और आप दिल्ली के अंदर अगर आप दिल्ली से हो तो आप जानते होंगे, अगर आप दिल्ली से नहीं है तो इतना जान लो कि दिल्ली के अंदर आप गाड़ी ड्राइव करते हो ना, तो आपको स्पीड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जगह जगह पे लगे कैमरे, जो कि कई कैमरे तो हमें पता होते हैं, कई कैमरे साइड साइड में लगे होते हैं पता ही नहीं होते। और उसके अंदर अगर आपकी स्पीड ओवर लिमिट आई तो ये लगा लो कि 2000 का चलान तो कहीं नहीं गया आराम से ओवर स्पीडिंग का। सो इस वजह से आराम से गाड़ी चलाने का, ऑल्दो अपनी गाड़ी की स्पीड इस टाइम पे 60 प्लस है, बट यहाँ इस रोड पे कोई कैमरा नहीं टिल नाउ अभी तक, मेरी समझ में जो कहती है। बाकी ये त्रिमूर्ति वाली रोड है, लेट्स सी इसमें अगर आगे हुआ तो इसमें भी सिर्फ कई बार बहुत तेज से गया हूँ 80-90 में, तो आज तक कभी चलान आया नहीं है, तो देखते हैं। ऑल्दो मैंने कहीं पढ़ा था कि इंडिया दिल्ली में ना वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा कैमरे जो है इंस्टॉल्ड है, सीसीटीवी कैमरा, मतलब दुनिया में, मतलब वर्ल्ड लंदन से भी ज़्यादा कैमरे यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। लेट्स सी क्या ये सच है क्या झूठ है, पता नहीं भाई, मैंने तो पढ़ा था, अभी सच्चा झूठा आप लोग कमेंट करके बताओ क्या ये फैक्ट सही है। ऑल्दो अब देखो धूप आ गई, थोड़ी देर पहले बारिश आ रही थी, देखो विंडशील्ड पूरी गीली हो रखी है यहाँ पे, अभी बारिश आ रही थी अभी धूप आ गई। मतलब मौसम इस टाइम पे ऐसा चल रहा है ना कि मतलब कतई कोई यकीन नहीं कर सकता वेदर पे, कभी कैसा कभी कैसा। तो यहाँ पे हमने कर लिया एंट्री करोलबाग के अंदर। यहाँ पे क्या होता है यूजुअली लोग मुझे ना इशारा करते हैं कि आ जाओ हमसे काम करवा लो, और बाद में क्या होता है जब उनको पता लगता है ये यूट्यूब वाला देखते हैं तो फिर वो चुप हो जाते हैं। अभी पीछे यहाँ पे जो है पुलिस वाले अंकल खड़े हैं, देख रहे हो, इन लोगों ने मुझे रोका था, मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने रोका क्यों था, हालचाल पूछे और कहा चलो ठीक है फिर आज तो बंद है करोलबाग ये वो, है ना, बंद तो ऐसा कुछ है नहीं यार। अब पता नहीं क्या हुआ, अभी मेरे को देख रहे थे, फिर उसके बाद उन्होंने कहा चले जाओ, चलो ठीक है ये वो, मैं पता नहीं उन्होंने क्या देखा क्या नहीं देखा, बट सर गाड़ी का पीछे का शीशा काला है, मुझे उनको दिख दिया, देख रहे मेरे को बुला रहा है लौंडा बस लग गया। तो ये होता है मेरे साथ कॉमन चीज़ है। चलो पहले हम चलते हैं करोलबाग अपनी गाड़ी में काम करवाने के लिए, और आपको दिखाते हैं आज अपनी गाड़ी में क्या काम हो रहा है। चलो हम मिलेंगे लेफ्ट, सॉरी ये है एक्चुअल करोलबाग जहाँ पे अपनी केसल करके वाली शॉप है जहाँ पे हम काम करवाते हैं, और आज हमें यहाँ जाना है राइट में, क्योंकि हमें अपनी गाड़ी में कुछ मॉडिफिकेशन करवानी है नेक्स्ट लेवल। और एक चीज़ कई लोगों को बताना चाहूँगा कि मंडे को मार्केट 80-90% मार्केट जो है मंडे बंद रहती है, तो मेक श्योर अगर आप अपनी गाड़ी में काम करवाने आ भी रहे तो आप एटलीस्ट बात करके आएँ, अदरवाइज आपको जो है शॉप मिलेगी बंद। देख रहे हो सारी दुकानें बंद है साइड में, तो मंडे को यूजुअली क्लोज होता है। ठीक है, और बहुत कम कम दुकानें खुलती है, और अगर आप जिस ऑप्शन जिस शॉप पे भी आप काम करवाने आते हैं तो वो दुकान का आपको पहले पता करना होता है खुली है कि बंद है, ऑल दो इनकी किस्त करके अपनी शॉप खुली हुई होती है। चलो हम पहुंच गए अपने अड्डे पे जहाँ में आज अपनी गाड़ी में काम करवाना है, और ये है अपनी अड्डा जहाँ पे हमारा आज गाड़ी में काम होना है। मनीष भैया के पास हम आए हैं, आप समझ जाओ हम मनीष भैया के पास क्यों आए। सो उस टाइम पे मनीष भैया की शॉप पर हूँ, और अब आपको थोड़ी झलक दिखाता हूँ कि काम क्या करवा रहा हूँ। वैसे आप में से कई लोग समझदार हैं, पता लग गया होगा क्या काम अपनी गाड़ी पे हो रहा है, और लुक देखने के लिए बेताब होंगे, पर लेकिन थोड़ी सी दिखाता हूँ झलक अभी क्या करवा रहा हूँ, बाकी मेन वीडियो आपको राही पे देखने के लिए मिलेगी। क्या भैया कुछ ढूंढ रहे हो, उठो देख देख लो, तो मेन वीडियो आपको देखने के लिए राही पे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपनी गाड़ी का एक बार हाल, क्योंकि आपको देखना चाहिए। प्लीज़ कमेंट करके बताना, और शायद पुलिस वाले अंकल ने रोका था, शायद इसी वजह से रोका होगा कि नंबर प्लेट उनको नज़र नहीं आ रहे होंगे, फिर बताइए उन्होंने क्यों छोड़ दिया है भगवान जाने। यहाँ पे अपनी गाड़ी का काम ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया, और लेट्स सी अब निकलेंगे, पहले मुझे आसिफ से मिलना है, उससे मुझे कुछ काम है, उसके बाद देखते हैं घर निकलेंगे। और गाड़ी में जो काम हुआ है ना मस्त हुआ है, और यहाँ ले लिया हमने अपना केलॉग्स, केलॉग्स ख़त्म हो गए थे बहुत दिन से, ये नई शॉप खुली है अपने यहाँ, तो इसमें मैंने सामान वामान ले लिया अपना ब्रेकफास्ट बेसिकली, जब भी जल्दी में होता हूँ तो ब्रेकफास्ट से ही करता हूँ,
और आजकल थोड़ा डाइट भी कर रहा हूँ तो ब्रेकफास्ट इसी को रखता हूँ और ठीक है। मतलब टेस्ट के मामले में क्या ही बोलूँ मैं, टेस्ट के मामले में ज़्यादा माइंड नहीं करता चीज़ों को खाने में, ठीक है। हेल्थ के लिए अगर अच्छा होगा तो कुछ भी खा पी लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो और आज गाड़ी में एक ऐसा काम करवाया ना, ऑल्ट्रोस में पहली बार हुआ काम, आप लोगों को टारगेट करोगे, बोलने के लिए मिल जाएगा, वो अपने को पसंद नहीं। चलो